अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे असास 2K22 इवेंट को पूरा का पूरा कवर करने का। सो गाइस अभी मैं एमबीए डिपार्टमेंट के फुटबॉल ग्राउंड के सामने खड़ा था। यहाँ पे जो है फुटसल की प्रैक्टिस हो रही है ना भैया, फुटसल जो है कंपटीशन होने वाला, मतलब 8-9 टीम्स आएंगे, अलग अलग खेला खेलेंगे, उसके बाद उसमें जो जीतेगा आगे उसका कार्यक्रम होगा। अभी मैं बस आया था चेक करने की प्रिपरेशन कितनी कहाँ तक पहुंची, तो अभी स्टॉल वगैरह लग रहे हैं, कल सुबह मैं आऊंगा शूट करने, क्योंकि अभी अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है। यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं लाइट ही लाइट। दोनों भाई भी बगल में, जुबैर भाई, ईशान भाई, हम भ्रमण करने के लिए आए थे, नजर रख रहे हैं सब सही हुई है ना। मतलब ये कचड़ा, ये किस लिए है जुबैर भाई, ये खाना के लिए क्या? फूड स्टॉल्स वगैरह, फूड स्टॉल होगा, फूड स्टॉल्स नहीं, इधर वाले सारे फूड स्टॉल्स हैं। सुबह आपको अच्छे से दिखेगा ये क्या है। कब से मेन इवेंट कवर? 27 से 29 तक है, आप लोग आ सकते हैं। सारे तंबू लगे हुए हैं, एक दुल्हन आप लेकर आइए, निकाह हम करा देंगे। मैं आपका निकाह पढ़ूंगा गवाह के लिए, जुबैर भाई, ईशान भाई, वो निकाह वाले जो सिन्नी होती है वो बांट देंगे, लेकर आओ बस अपनी खातूनों, हलाल काम करवाएंगे हम सबसे। अंदर देखते हैं कुछ कहानी आगे बढ़ी या नहीं। तीन मुस्तंडे बात करते हुए, फ्रांस आप देख सकते हैं, इतना सा थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इधर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ है। चल चलते हैं यहाँ से, कल के लिए इंतजार कीजिए, कल हम आएंगे वापस। बाटली लेकर मैं घूम रहा हूँ, पानी भरने आया था मैं, अब आप बताइए हम पानी भरे कहाँ से? ये कूलर है या वाटर कूलर है या क्या है? इसमें पानी भरा है यार, मतलब कैसे निकलेगा भाई पानी? इसके लिए भी कोई डिप्लोमा का कोर्स होगा, समझ गए। हमको लगा नहाने के लिए टोटिया लगी हुई है, आज बंद कर दो, बंद कर दो, जल्दी बंद कर दो। टाटा, बिना डिप्लोमा किए हम लोग पास करके एग्जाम। फ्रांस अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल, जल्दी से आप कृपया अपने रूम पर भाग जाएं। फजर के बाद जो नींद आती है ना, उसमें सोने का मजा ही कुछ और है। मेरी आवाज आपको बहुत मोटी लग रही होगी क्योंकि मैं सो के उठा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहली बार मैं मस्जिद में 2 घंटे के लिए सोया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। स्टिल आई हैव 2 आवर्स फॉर द क्लास, तब तक मैं जा रहा हूं, तैयार होता हूं, नहाता होता हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मुझे कुछ अपने आपको दो टुक नसीहत करनी थी, इसलिए मैं छत के ऊपर आया हुआ था। ये नसीहत ऐसी है जो मैं अपने आप को करना चाहता हूँ, पर्सनल नसीहत, तो कृपया करके मेरी ऑडियंस जो है अपने कानों को बंद कर ले, अपने कानों में रुई ठूस ले। नियत करता हूँ नसीहत करने की अपने आप को वास्ते अल्लाह के। देखो आकिब, जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चलता है ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट, ऐसा लग रहा है कि सब परफेक्ट चल रहा है, स्मूथली चल रहा है आपकी लाइफ में, और सब आपको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, सब आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सब आपकी बात सुन रहे हैं। हालात भी अच्छे हो चुके हैं, पहले कुछ दिन पहले तक बहुत बदतर थे, अभी बहुत हो चुके हैं। ऐसा सीना फुला के घमंड में नहीं चलेगा, अरे हो गया सब बढ़िया, आई एम द ओनली वन, ना ये नहीं करना। उस वक्त मुझे जरूरत है अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा ह्यूमिलिटी दिखाने की, सबसे ज्यादा हम्बल रहने की, झुक कर रहने की, क्योंकि वो देने वाला अल्लाह, कब वो छीन लेगा अल्लाह वालम, अल्लाह नोज द बेस्ट। यू नो, जब लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होने लगती है ना, तो उसी के कुछ ही पल बाद दुगने प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी एट्रोसिटीज आती हैं कि आप पागल हो जाते हो, हैरान हो जाते हैं, अचानक से कैसे। मैं इधर उधर चल रहा हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा चेहरे पे जो है शेड लाइट तो नहीं आ रहा। खैर, मुझे एक जगह पे टिक जाना चाहिए आई थिंक सो। मेरा जो बिहेवियर है ना लाइफ को लेकर या लोगों को लेकर, जो चीजें होती है मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकर बिहेवियर सेम रहना चाहिए कांस्टेंट। ये हदीस है या नहीं आई डोंट नो, मैंने सुना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा इंसान को कांस्टेंट रहना चाहिए, जब ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मिल जाए तो चहकना नहीं चाहिए, जब ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए तो एकदम डिप्रेशन में नहीं चला जाना चाहिए, फेस ऑफ लाइफ आपका गुजर जाएगा। एक हदीस तो मुझे याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे, तो कुछ सहाबी जो थे हंस हंस के बात कर रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो पता है ना वो बातें अगर तुम्हें पता होती तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। मैं भी बहुत करता हूं, क्या करें, वीडियोस में करना पड़ता है। ये रिमाइंडर मैं अपने आपको देना चाह रहा था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, अच्छी चीजें बहुत आ जाए, काफी लंबे समय तक टिकी रह जाए अच्छी चीजें, तो हमें घमंड में, तकब्बुर में सर उठा के और सबको हकीर नहीं समझना चाहिए। इनिशियल और फाइनल फेज जो हमारा, वही हमारी कोई औकात नहीं, पैदा हुए थे तब भी छोटे से थे, हमें कोई और संभाला तो हम मर जाएंगे, तब भी हमें कोई और ही संभाल के ले जाकर कब्र में उतारेगा। ये हमारा इनिशियल और फाइनल फेज, दैट्स इट। ये वैसे नसीहत मैंने अपने आपको की है, आपको अगर समझ में आ रही है तो आप अमल कर सकते हो उस पर, मेरा कुछ नहीं जाएगा। चलते हैं, अभी जा रहा हूँ क्लास करने के लिए, डाइनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम शुरू होते रहेंगे, जिंदगी चलते रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। दूसरी चीज जो अभी मैं जा रहा था नीचे, तो मुझे अचानक से याद आ गई, मेरे जो सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलते हैं ना, उनको पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है, मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई मुझे जैन बुलाता है, जैन भाई, कोई मुझे बुलाता है अयान भाई, इट्स एन खान, यू नो एन खान। वॉवेल्स होते हैं ना इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू, उसके आगे आर्टिकल्स जो लगते हैं एन लगता है, खान में कोई वॉवेल नहीं है, के से शुरू होता है वो कॉन्सोनेंट, थोड़ा यूनिकनेस लाने के लिए मैंने एन लगा, ए एन तो आकिब नदीम से लिया हुआ है मैंने, पहले मैं ए एन खान ही बुलाता था, बट अब एन कर दिया, उसको ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगता है, जबान पे जल्दी से आ जाता है, हालांकि जबान पे थूक भी बहुत जल्दी आ जाता है, गंदा जोक मारा, तो वो जल्दी आ जाता है, एन खान जल्दी आ जाता है, तो वहां से
मैंने एन खा लिया, तो प्लीज मेरे नाम को ना बिगाड़ा, इट्स एन खान, या तो आके बुला ले, कीप इट इन योर माइंड, एन खान इज डैम एन खान। You see, my friend is waiting there for me. आज तो लड़ाई होकर रहे, फोन से फोन टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। No paparazzi, please, please. No photos, no photos. Go away, Simon, go back. अयो काफी खतरनाक है जी इधर से व्यू। अभी आपने देखा मैं गाड़ी अपनी जो है खड़ी कर रहा था, फिर अचानक से मैं वापस से हॉस्टल पे आ गया। इसे कहते हैं जादू, इसे सीखने के लिए आपको क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। देवियो सज्जनो, फाइनली वी आर एट सेंटनरी गेट। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे असास 2K22 इवेंट को पूरा का पूरा कवर करने का। तैयार हैं आप लोग? जी जी। आप क्यों नहीं तैयार हैं? ये तो सबसे ज्यादा तैयार है। अजर, हेलो। सब्सक्राइबर नाम। वो हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हमें। मास्क निकाल के अपना चेहरा दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को। क्या नाम है आपका? सैफ। चलो ठीक है भाई, स्लो ऑन। ठीक है भाई, चलो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करते करते नमाज का वक्त हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं माथा टेकने मस्जिद में। लेट्स गो बड़े, लेट्स गो। जमात स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, थोड़ा हम पीछे रह गए। व्हाई आर यू रनिंग? स्टॉल्स लग चुकी हैं, रोशनियां भी दिख रही हैं अगल बगल। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? जल्दी बताइए जुबैर भाई। फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट? यहाँ से, वहाँ से, ऐसे करके आना पड़ेगा। चलिए मेन गेट से आएंगे, सामने से एंट्री करेंगे। यही है मेन एंट्रेंस, ऐसे आएंगे, फाद फाद के जंजीरें फाद के आएंगे। ओम फो, ये क्या LGBTQ? कल हम यहाँ पे आए थे, अधेरा था, रोशनी रोशनी आ चुकी है, यू कैन सी। और ये आंखों से कचरा निकालने की साजिश हो रही है दोस्तों। Nothing to do much here. Let's go. अंदर ट्रेडिशनल रास्ता में अपना रहा था, आप तो मुझे मॉडर्न रास्ता दिखा दिए। What the hell is this? ये तो कली वाला है, कुछ additions नहीं हुए कुछ। Meet our Mr. Asas. ये Mr. Asas के दोस्त, आप भी हाथ मिला लीजिए, हम सबसे हाथ मिला लेते हैं। अरे आप तो रोज मिलाते हैं। उधर खंगाल के देखते हैं क्या है। ये क्या मेन स्टेज है क्या? आप ही को नहीं पता जुबैर भाई, धोखा दे रहे हैं। Here is the seating arrangement. काफी वाइब्रेंट सी लाइट, वाइब्रेंट नहीं, डल सी लाइट है फिलहाल। हाँ डल है कल, तो इधर शायद रैंप वॉक टाइप का होगा। हम गरीब लोग क्या, हम लोग फैशन वैशन से दूर रहते हैं। ये कब तक हो जाएगा भाई पूरा कंप्लीट? दो घंटे में आज ही हो जाएगा मतलब? ओके। टीवी पे रिपब्लिक टीवी चलेगा, अर्नब गोस्वामी आएगा, सलमान का हो तुम। लाइट आने के बाद पूरा नजारा ही बदल गया। Let's go. Priorities. फुटबॉल ग्राउंड का रास्ते में ले लिया, तो कल भी लिया था उसका। उसका टाइम क्या खेल? आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा? नहीं, सैलरी वाले नहीं, इक्विटी वाले मामले। हाँ गाड़ी कहाँ रखी आपने जुबैर भाई? ए भैया हमको भी बैठा लो, कहाँ जा रहे हो? हमको कैमरा ही पकड़ा कर लोग भाग जाता है, धोखा देते थे जी। अभी आपको जिंदगी में आनंद ही आनंद मिल जाएगा दोस्तों। We need a location with high altitude, you know? मैं थोड़ा ऊंचा जगह मांगता है। Where I have to put my camera. अरे हमारे पास बॉल आते आते रुक गई। Guys, मैं आके यहाँ पे व्लॉग कर रहा था, बाद में देखा मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया। मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक हो गया, जिंदगी का सबसे बड़ा प्रैंक। प्रैंक। आगे फुटसल चल रहा है ना, फुटसल शॉर्ट फुटबॉल, 8-9 टीम्स आई हैं जो कि कॉम्पीट कर रही हैं एक दूसरे से। हमें फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, बट वॉक के लिए हम किस किस घाट का पानी पिए आपको क्या पता। ज्यूरी है जो डिसाइड करेगी हु इज द विनर। देखो ना रिकॉर्ड ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, हियर आर द प्लेयर्स। उधर ढेर सारी टीम है जो बैठी हुई इंतजार कर रही है अपने मौके का, यू नो। गेंद ना के लग जाए हमारा कपार फूट जाएगा। चलिए भैया। गाइस जब हमने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो पीछे से आवाज आ रही थी हम भी वीडियो में आएंगे, मगर उनको पता नहीं बेचारों को, हमने कैमरा ही उधर नहीं घुमाया, मतलब वो वीडियो में नहीं आएंगे। हमने आपको सारी रंगीन रंगीन गलियां दिखा दी, अब हम अंधेरी की गलियों में जा रहे हैं। बैक टू पवेलियन। 80 नंबर का, 80 नंबर का, 80 नंबर, 80। ओम फो, क्या छत है भाई? मिनहाज मिनहाज मिनहाज। ओम फो, मिनहाज है ही नहीं। लाइफ इज वेरी एग्जॉस्टिंग यू नो गाइस। गजब
टुडे इज फ्राइडे एंड एवरीबॉडी इज हेडिंग टुवर्ड्स द मॉस्क फॉर द प्रेयर्स। बहुत भीड़ होगी आज, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो गाइस अभी मैं वीडियो वगैरह जो है पूरा एडिट कर चुका था, बस अब उसको मर्ज करना था सारे फाइल्स को और फिर उसको अपलोड करना था। तो मैंने रियलाइज किया मैंने अपना आउटरो तो बोला ही नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अगर मैं असास 2K22 के मेन इवेंट में जाऊंगा तो जरूर व्लॉग अपलोड करूंगा, वरना मेरा मन नहीं है जाने का। अगर कुछ ऐसा चांस बनता है कि मैं जाऊंगा तो क्या पता चला जाऊं, क्या पता मैं रिकॉर्ड कर लूं, क्या पता मैं अपलोड कर दूं वीडियो, अदरवाइज आई एम नॉट इन द मूड टू गो। कैमरा एक्शन। पैसा देते नहीं हूँ, सिर्फ काम करवाते हूँ। सो गाइस, आज यू नो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे चेहरे की खुशी भी मत जाएगा, मैं सच में दिल से बहुत परेशान हूँ, दिल है गमगीन मेरा। मेरे पास एक गाड़ी थी, काफी छोटी मोटी गाड़ी थी, वो खो चुकी है, मैं ढूंढ रहा हूँ काफी देर से, परेशान हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। गाइस मिल गई गाड़ी, ये राजू चाबी दे रहे, मेरा चाबी।